अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे आप ये बता रहे यार, मैं तो देख रहा था कि कैसे लग रहे हो आप। नहीं ये तरीका है कोई? यार ये कोई तरीका है? मेहमान आए आप, ये क्या है? पौनी उठा बच्चा पापड़ खा रहा है। हाँ जी हाँ जी, ये छोटे बच्चों की तरह पापड़ खाते हो? जेड़ा तू आदि हमें ना के वे मेरा कालू आ ते कु तत्ती वाह भी ना लगे। वो तत्ती वाह हुन खत्म दी गई, हुन ठड्डी इतनी लग दी मुंह नहीं धोई ना सारे कल। इतनी ठड्डी आवाज, इतनी दुआवा तो ना मंगे हां के मेरे को ठड्डी लग दी धावण वास्ते। ये देखो ये जी, ये हैं बुज्जे और ये अब हम खाएंगे। हस्ती क्यों हो? बुज्जे तो हैं। ये वो वाली बात है जैसे किसी अमीर को गुस्सा आए ना, तो लोग कहते हैं कि सांप का ना बीपी हाई हो गया है, और मुझ जैसे कि अगर गुस्सा मुझे आए तो कहते हैं चित्ता छा बेटे इसके मुंह पे जूता बदो। ऐसे नजर नहीं आएगा ये। हाँ नाजनीन, नाजनीन सिस्टर उसने भेजा है, पता नहीं किसके लिए है। तो ये लेके जा रहा हूँ घर, उधर रख देता हूँ, फिर जिसका होगा वो खुद ले। माशाल्लाह बच्चे खिला लेते हो। आपके गोद में बच्चे चुप हो जाते हैं। ये क्या हुआ? ये जल गई थी। ओए कैसे? वो चूल्हे पे रोटी बना रही थी तो पता नहीं चला बाजू ऐसे अटैच हो गई। ये एक कमरा, ये छोटा सा कमरा है 10x10 का, और ये जो आगे वाला बड़ा कमरा है वो है 15x12 का, इसी हिसाब का वो कमरा है। और ये सेंटर में ना ये गैलरी छोड़ रहे हैं इधर से, इधर किचन, यहाँ पे किचन बनेगी और इधर वॉशरूम और उधर बैठक। ओ जी दोस्तों एक पार्सल आया है, पता नहीं किसने भेजा है। मैं इधर से वो देखे शॉप से, अभी छुट्टी हुई है तो मेरी यहाँ पर जहाँ काम करता हूँ ना उधर आया है, पता नहीं है किसका। तो इसे अब घर लेके जा रहा हूँ, फिर घर जाकर रख देता हूँ, खोलूँगा तो नहीं किसी की चीज़ है, अमानत है, पता नहीं किसकी है। तो ये भेजा है, ऐसे नज़र नहीं आएगा ये। हाँ नाजनीन, नाजनीन सिस्टर उसने भेजा है, पता नहीं किसके लिए है। तो ये लेके जा रहा हूँ घर, उधर रख देता हूँ, फिर जिसका होगा वो खुद ले जाएगा। अज़र हुसैन व्लॉग उसने बोला है कि ले जाओ घर दे रख दो, फिर कॉल करेंगे फिर बता देंगे। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तबीयत कैसी है? ठीक है। वाह जी वाह, ये लो आपका पार्सल आया है। ये जी आप घर आ गया, ये पार्सल है, पता नहीं वहाँ अजहर भाई ने कॉल की है। ये देना है अकरम खान, ये लिखा हुआ है फार अकरम खान, इधर भी लिखा हुआ है, इधर लिखा था मेरा नाम, मतलब कि मेरे पास पहुंचना था तो फिर इनका है, उनको देना है। अलिशबा आपको बैठ गई हो इसके ऊपर, ये मामू का है, मामू अकरम का है, ठीक है। हाँ ये मामू अकरम के लिए आया है, तो उनको अब कॉल करता हूँ, वो खुद ले जाएंगे। तो जी इनके काम देखें, ऊपर चढ़ कर रोटी खा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है रोटी खाने का? सर्दी लगी हुई है, इधर धूप है, धूप में रोटी खा रहे हो? खानी हो तो ये देखें, सालन भी है, रोटी भी है। हाँ सालन रोटी भी है और धूप के धूप पर बैठे हैं पौड़ी पे चढ़ के। अच्छा जी खाओ खाओ। फिर कल से बारिश हो रही थी ना, इतनी ठंड लगी है, धूप के लिए तरस रहे थे। हाँ धूप तो फिर आज निकली है, कहीं पर धूप नहीं मिल रही, सिर्फ सीढ़ी पर धूप आती है। हाँ पूरे सहन पर कहीं पर भी नहीं है, हर जगह पर छाँव है, और इधर टप मार के बैठ गए। सीढ़ी घर पे है, बाहर तो नहीं है ना। हाँ धूप लग रही है, अब धूप लग रही है ना। हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी खासी धूप लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज आ रही है, चास आ रही है। आज ये नई जर्सी ले आए हो? हाँ ये जिशान बेटे ने भेजी है। अच्छा जिशान, जिशान ने गिफ्ट भेजा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके लिए कुछ नहीं भेजा? मेरे लिए लुकार भेजी है, शाल पहनी नहीं। हाँ जी अच्छा शाल है इसके लिए भी। अच्छा दोनों के लिए आई है, चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली कमाई आ गई। अम्मी जी आप क्या कर रही हो इधर?
अभी ये तेरी तेरी कुड़ी को खिला रही तू। अच्छा इसको खिला रही है ये जो बैठी है, ये इसको वीडियो में नहीं लाना है, इसको नजर लग जाती है और पहले भी बड़ी मुश्किल से अभी कुछ ठीक हुई है। बोलती नहीं है, आप चुप चुप है ना, नजर लग गई है इसको। अमीना आप क्या कर रही हो, पिस्तौल पिस्तौल उठाया हुआ है, किसको मारना है? लाली को मारना है। कहाँ है लाली? बोटियां खा लूंगी। वाह जी वाह। और इधर फरहान और वसीम आए हुए हैं। वसीम क्या हाल है, कब आए हो? घंटा हो गया है। घंटा हो गया है। आपको सर्दी नहीं लगती? वाह जी वाह। किसी को सर्दी नहीं लगती? धूप तो नहीं, नीचे धूप थोड़ी है, इधर धूप तो नहीं है, ऊपर धूप है। कहाँ गई थी? चीज लेने। दुपट्टा नहीं पहना आज फिर? नहीं। दुपट्टा पहना करो। बच्चा पापड़ खा रहा है। आजी आजी। ये छोटे बच्चों की तरह पापड़ खाते हो? जी। सही है सही है। ये वो दांत नहीं है ना, इसलिए फिर पापड़ खाता है, कोई सख्त चीज खा नहीं सकता। अयान पापड़ खिला रहे अबू को? वाह जी वाह। अम्मा तेरी दुआ होने कबूल थी यहाँ पे नहीं पता के जेड़ा तू आदि हमें ना के वे मेरा कालू वा ते कुछ तत्ती वाह भी ना लगे वो तत्ती वाह हूं खत्म थी हूं ठंडी इतनी लग दिया मुंह नहीं धोई ना सारे कलो इतनी ठंडी आवाज इतनी दुआवा तो ना मंगे हाँ के मेरे को हूं ठंडी लग दिया धावण वास्ते भी तत्ती हवा इतनी ना के वो सर्दी से नहाया भी नहीं जाता मुंह भी नहीं धोया जाता। खुश तो निहाल कंप दे खड़े थे हाँ। आज तो सब बुझे खुश हो? बुझे नहीं है ये पंजे हैं, मुर्गी के पंजे हैं। मैंने तो आज तक नहीं खाए, फिर ऐसे कैसे ये मैं खाऊंगा? ना खाए हम तो खाते हैं। अच्छा ये देखो ये जी ये हैं बुझे और ये अब हम खाएंगे। हस्ती क्यों हो, बुझे तो हैं। ये मरीजों के लिए इलाज होता है। मरीजों के लिए हाँ जी, जिसके जो है ना हाथ कांपते हैं वो ये। हाँ मेरे कांपते हैं देखो। तो फिर खा लेना। नहीं नहीं मैं नहीं खाता ये। हम तो अपना पेट पालना है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ सही है सही है। हाँ बाबा मैं खा रहा हूं। आपने खाना है? आपने बुझे खाने हैं? खाना। हाँ क्या खाना है? ये बुझे तो हैं? अख नहीं। ये क्या है? लत्ता। पंजे हैं पंजे। हाँ ये पंजे हैं। चलो चलो पकाओ पकाओ खाओ खाओ। हाँ जी पकाऊंगे बनाऊंगे बहन भाइयों से शेयर करूंगे। करो करो करो। खाओगे आप तो? नहीं खाने तो ना खाओ। मैं आज बाहर से खा के आऊंगा। हाँ आप तो होटल के खाने खाते हो। होटलें खाना होटलें के खाने होटलें के खाने नहीं होटलों पे वो उधर से कोई बर्गर वगैरह कोई 10-15 रुपए वाला खा लूंगा। 10-15 हजार वाला? हाँ 10-15 रुपए वाला खा लूंगा। आपकी मर्जी है भाई। हाँ खाओ। हम तो चलो तो चेक कर लूंगा चेक कर लूंगा। ये पता है क्या, ये वो वाली बात है जैसे किसी अमीर को गुस्सा आए ना तो लोग कहते हैं कि सांप का ना बीपी हाई हो गया है, और मुझ जैसे कि अगर गुस्सा मुझे आए तो कहते हैं चीता क्या बेटे इसके मुंह पे जूता बदो। नहीं हम तो नहीं कहते। अच्छा चलो ठीक है पकाओ खाओ। हाँ जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मामी। क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मामा के लिए गया नए घर में धूप लगा रहा है। आपको सर्दी नहीं लगी क्या? सर्दी लगे हो सारा तो काम कर रहे हो तो क्या निकमा। अच्छा वेला है नमाज पढ़ रहे हो बैठा रहते बात नमाज पढ़ते मगरिब को वाला वालम से घर। हाँ वाला घर वाला सही सही। और अहमद भाई कहाँ गए? अहमद खानपुर चले गए। खानपुर चला गया। अजहर का फोन है कि कम हाँ उड़े। अच्छा अजहर अजहर के पास।
और इधर जी खड़ा है नंबरदार बच्चों को खिलाते हुए। क्या हाल है नंबरदार? अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसका बेटा है? ये चाचू अहमद का। चाचू अहमद का। इसको ये रो रहा था क्या? हाँ जी रो रहा था, मैं उठाया कहीं चुप हो गया। अब चुप हो गया? हाँ जी। माशाल्लाह बच्चे खिला लेते हो। हाँ जी। आप की गोद में बच्चे चुप हो जाते हैं? हाँ जी। सही है ये काम भी अच्छा है। हाँ जी। मिसाले तैयार हो रहे हैं इधर, और मिसाले तैयार कर रही है सबा भाभी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। घर में सब ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। आप तो ठीक नहीं हो, बाजू दिखाएं। ये क्या हुआ? जी जल गई थी। ओए कैसे? वो चूल्हे पे रोटी बना रही थी तो पता नहीं चला बाजू ऐसे अटैच हो गई। चूल्हे, इस चूल्हे पे, इस चूल्हे ने जी सबा भाभी का हाथ जला दिया इस चूल्हे ने, इसलिए आज फिर सिलेंडर पे बैठी हुई है। नहीं वैसे भी उस पे बनाती हूँ रोटी, तो आज वीडियो नहीं बनानी थी ना, तो मैंने कहा साले इस पे बना लेते रोटी। वीडियो खैर थी? हाँ वो अहमद काम से गया हुआ है ना, इसी वजह से फिर नहीं बनानी। अच्छा अच्छा। इधर आलू को तड़का लग रहा है। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। ओ सब ठीक है अभी तक तो ठीक है, बाकी दुआ करें फिट ही रहें। आमीन आमीन आमीन। काफी है? हाँ काफी है, हमने क्या करना है, काम पाल जाएगा तो फिर डाल देंगे, वो फिर गर्म हो जाएगा, इसमें क्या है। अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे आप ये बता रहे यार, मैं तो देख रहा था कि कैसे लग रहे हो आप। नहीं ये तरीका है कोई? यार ये कोई तरीका है, मेहमान आए आप, ये क्या है, पानी उठा लो। और सुनाए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? जबरदस्त। मौजे हैं? मौजे मौजे हैं मौजे। माशाल्लाह। भाभी जी आप सुनाए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह करम है मालिक का। मैंने ठीक है, बच्चे ठीक है? ओ सब ठीक है अभी तक तो। मैंने कहा चलो व्लॉग बन रहा है ना, जो सैड वो भीड़ सीन होता है, भीड़ सीन पता नहीं कौन सा सीन, वो वाला दिखा दूं कि कैसे करते हैं ये व्लॉगिंग, तो इसलिए मैंने तो उधर से क्लिक मार लिया। मैंने कहा चलो देख लेते हैं इनका भी ये वो, कैसा जुगाड़ लगा। हाँ वो पता चल जाएगा ना सब बहन भाइयों के आपकी वीडियो में कैसा माहौल बना हुआ था और मेरी वीडियो में कैसा था। और क्या बना रहे हैं आज? कढ़ाई वगैरह बना रहे हैं जी, पकौड़े की। ओए होए, क्योंकि आज मैंने कहा कि शाम वाली रेसिपी नहीं बनानी। हाँ। पकोड़े निकाल लेते हैं फिर रोटी बना लेंगे पकोड़े के साथ, खा के सो जाएंगे। वाह जी वाह, पकोड़े पकोड़े। माशाल्लाह आप सबके लगता है मैदे फिट हैं, इसलिए ये चिकन वाली वो क्या चिकनाई वाली तली हुई चीजें आप बर्दाश्त कर लेते हो। नहीं वैसे भी सर्दियां हैं, कौन टिकाल की बारिश है। हाँ मौसम जैसे तो वैसे पकोड़ा खाना चाहिए। हाय ओए मेरा दिल करे ना पे। आप आए हाँ? आप आए हुए हो ना, टाइम अच्छा, पे आ गए जाना ना। टाइम पर आ गया पर वो फिर अच्छा चलो देखते हैं, बनाएं तो सही। ये तो ना हाँ, ये ना हो के फिर कहें कि हर दफा ये टोपी ड्रामा करके भाग जाता है। टोपी ड्रामा कैसा? यही कि मेरा मैदा खराब है, मैंने नहीं खाना, हर बार पूछते हैं, ये नखरे करके चला जाता है ऐसे। नहीं खाओगे तो ऐसे तो कहेंगे। पहले पहले दो पकोड़े आ गए और वो बैटरी पे चूल्हा लगाया हुआ है। हाँ जी। वाह जी वाह। आप पीछे करके ना इनको निकाला करें, मेरे हाथ जलाओगे। हाथ क्या जलाऊंगा, आपने आग इतनी तेज कर दी है कि मैंने क्या कर लिया, पक्का स्लो कर लो ना। इतना गर्म आग कर दिया है, ये कौन सा आपके करने तमाशा बनाया हुआ है? पंखा पंखा स्लो कर दो। ये पकोड़े बना रहे हो या झगड़ा बना रहे हो? झगड़ा बना रहे। ये वाले निकालो, ये देखे सारे जलवाएगी आज, ये ना सारे जलवाएगी आज। कोई नहीं कोई नहीं, सारे निकाल दो। इसलिए वो नीचे आग ज्यादा है ना, इसलिए ये देखें जल रहे हैं। ये ना पंखे की बहुत ज्यादा सटीक हुई थी, इस वजह से ना आग ज्यादा। अभी मैंने पंखा बिल्कुल बंद कर दिया है, खैर एक मिनट सब्र कर, अभी ना इनको निकालने दे, वो भी निकाल ले छान के, ये सबको निकल जाएगा। आप एक चलो जी निकालें निकालें फिर अपना व्लॉग आप बनाएं, मैं सब कुछ आपका दिखा के चला जाऊं, क्या फायदा। नहीं वो नो इशू। नो इशू। नो इशू होता है। चलो जी ये नसीब नसीब की बात होती है, ये नहीं होता है कि यार आप वीडियो बना लोगे हमारी कैसे, ये
जो बहन भाई देख नहीं नहीं वो पता है क्या, वो मजा जो है करकरा हो जाता है जो शुरू शुरू में आप बना रहे होते हैं जो चीज दिखाते हैं ना, और अलग बीच में मैं आ जाऊं वो फिर उनकी जो माहौल है ना वो चेंज हो जाएगा, इसलिए चलो कोई बात नहीं वैसे भाई जब हम कह रहे हैं आपको फिर चलो भाई दिखा तो दिया है और क्या दिखाऊं। ओके हो गया, तो जी अब बारी है हमारे पकोड़ों की। कहाँ है मेरे पकोड़े? वो रखे हैं, उठा लो जितने खाने हैं। उधर रखे हुए हैं। वाजीवा वाजीवा पकोड़े उतेरी माशाल्लाह। ये आप लोगों ने खाए हैं या नहीं खाए? नहीं अभी खाए, अभी खाने खाएंगे, अभी खाए नहीं। अच्छा अभी खाने, मम्मी अब्बू का दे दिया है। अच्छा आप लोगों ने अभी खाने हैं? हाँ, खा तो ये तो क्या बात हुई फिर, आप लोगों ने अभी तक खाए नहीं और मैं ऐसे हाथ मार लूं? नहीं नहीं, नहीं आप खा लो, ये टेंशन मत लो। हाँ ये इधर से ना ये देखिए पकोड़े, मुझे आपको पता है ना मैंने खाना तो एक ही है। हाँ, ये वाला कौन सा तुमने बहुत ज्यादा खा? हाँ वैसे भी ज्यादा खा ले तो कोई मसला ये, नहीं है। ये एक आधा उठा लिया, ये क्या बात हुई? नहीं मैं ये देखे ना ये बिट्टोड़ है या? नहीं है। अच्छा ऐसे लग रहा है, लग ऐसे रहा है बिट्टोड़ ऐसा, ये ना जैसे अकरम अली हो ना वैसा है ये देखें। ये अपने नक्शे के बराबर बनाया है। हाँ अपने नक्शे के बराबर ये देखें, उसके सर के बराबर है पकोड़ा। चलो जी आप मैं ऐसा करें भाई यहाँ पर बैठ जाएं, आप खा के फिर चले जाएं। नहीं नहीं मैंने बस हाजिरी लगवानी थी, इधर से पकोड़ा खाना था तो फिर अब चलता हूँ फिर, और ये पकोड़े खाऊंगा तो माहौल मेरा फुल हो जाएगा। फिर आपकी मर्जी। हाँ। मैं तो यही खा के बैठ, क्योंकि रोटी भी तैयार है हमारी। हाँ जी फिर आप लोग खाएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पकोड़ा देने के लिए। तो जी दोस्तों अभी मैं आया हूँ प्लाट पे, और माशाल्लाह से देखें मिट्टी के ट्राली डाल गए हैं अभी, और उधर से वो गारा बना हुआ है, रेत की ट्राली वैसे पड़ी हुई है, और ईंटों की ट्राली एक आ गई थी। अब वो जो खंगर होती है वो नहीं मिली, ये वाली मिली है खंगर, ये नीचे लगी हुई है और ये ऊपर ये लगा दी है। और इस साइड का जो है अभी एक दीवार रहती है, और ये जो है मेरे वाली साइड इसका जो है ये काम हो गया है, ये देखें ये एक कमरा, ये छोटा सा कमरा है 10x10 का, और ये जो आगे वाला बड़ा कमरा है वो है 15x12 का, इसी हिसाब का वो कमरा है। और ये सेंटर में ना ये गैलरी छोड़ रहे हैं इधर से, इधर किचन, यहाँ पे किचन बनेगी बनेगी, और इधर वॉशरूम और उधर बैठक। तो ये इतना काम हो गया है, बैक दीवार लग गई, अब ये साइड वाली रखी हुई है अभी यहाँ पे, ये अभी कर रहे हैं इसका काम, कहते हैं कि ये अंदर वाली मुकम्मल कर लें फिर इसकी साइड वाली ये जो है ये पूरी करेंगे। तो तकरीबन ये जो एरा लग गया है इससे थोड़ा आगे जाना है, ऊपर जाना है, वो जो जैसे वो दीवार है यहाँ तक इसकी पूरी आएगी ये। और ये देखें मेरे बराबर एरा लग चुका है, अभी इसके ऊपर भी जाना है, इतना ऊपर जाना है, ये अभी इतना रहता है वो रोड के बराबर, इतना जाएगा इसके ऊपर, इतना वो जो है उसके बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।